उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी कल 3:30 बजे शपथ लेंगे। देहरादून के परेड मैदान में शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटा प्रशासन। पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में इस समय प्रशासन जुटा हुआ है। कुल मिलाकर देखिए, कोशिश की जा रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है वो बहुत ज्यादा भव्य रहे, बहुत ज्यादा दिव्य रहे, क्योंकि उत्तराखंड के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के पक्ष में सुनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी कल 3:30 बजे शपथ लेंगे और इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि बीजेपी के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। सालों पुराना मिथक टूटा है, जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में कल शपथ लेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा वहां चलते हैं क्योंकि वो वहां से जुड़े हैं जहां पर कल सीएम पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। देखिए नासिर, लगातार प्रशासन की ओर से, बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है, जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है उसके लिए ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य हो, दिव्य हो। क्या कुछ तैयारियां हैं जनता को दिखाएं? देखिए, लंबे समय के बाद आखिरकार ये मुख्यमंत्री का चयन हो गया है और पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। उनके नाम के ऐलान के बाद जो विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी उन्होंने तो बिल्कुल ना की तैयारियां हैं वो तेजी के साथ की जा रही हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस बात की तैयारियां कर रहा है। जी नासिर, देखिए इस तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन जुटा हुआ है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी इस बात के लगाई गई है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हो उसको बहुत भव्य और दिव्य तरीके से बनाया जा सके। क्योंकि उम्मीद ये है कि जो कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा दोनों मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी तरीके से जो उनका कार्यक्रम है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि उनको मैसेज दे दिया गया, मतलब संदेश दिया गया है, अब वो जैसे उनका कार्यक्रम तय होता है उसी लिहाज से तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं ये परेड मैदान है जहां पर जो इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहां पर रखा गया है। हालांकि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री बने हैं उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो राजभवन में किया गया है, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 5 सालों में जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए उनका भी शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में ही आयोजित किया गया था, लेकिन चूंकि जिस तरीके से 47 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है इस वजह से इस बार जो मिथक टूटा है उसकी खुशी में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा सके, ताकि इस बात का मैसेज जनता तक पहुँच सके और जनता को ये बताया जा सके कि जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, 47 का मैंडेट दिया है, उसकी वजह से सरकार बनने वाली है, बहुत मजबूत सरकार बनने वाली है और इसको लेकर के ये तैयारियां की जा रही है। कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा उनकी कैबिनेट भी शपथ लेगी। हालांकि अभी ये नाम तय नहीं है कि कैबिनेट में कौन कौन लोग रहने वाले हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि पूरी की पूरी कैबिनेट भी कल ही शपथ ले लेगी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर भव्य और दिव्य इस समारोह को बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। नासिर, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस समय उत्तराखंड की जनता के बीच माहौल कैसा है? क्योंकि उत्तराखंड की जनता के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड की जनता ने खुद ही मिथक तोड़ा है।
देखिए बिल्कुल, जब नतीजे आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि हमेशा यही रहता था कि एक बार बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रहती थी, एक बार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रहती थी, और लोगों को लग भी रहा था कि शायद इस बार सरकार बदल जाए। लेकिन ये मथक टूटा है और जिस तरीके का मैंडेट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, एकदम से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, 47 सीटें जीत करके बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच भी खुशी का माहौल है और उनको लग रहा है कि जो पूर्ण बहुमत बीजेपी को दिया है उसका कहीं ना कहीं फायदा जनता को मिलेगा, उत्तराखंड राज्य को मिलेगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो जाहिर तौर पर विकास कार्य तेजी के साथ होते हैं। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में कई विकास कार्य किए और जो उनका विजन था वो ये था कि आने वाले समय में वो और ज्यादा विकास कार्य करेंगे। अब जब उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जाहिर तौर पर अब जनता को बहुत सारी उम्मीदें पुष्कर सिंह धामी से हैं कि वो शपथ लेने के बाद जब कार्यभार संभालेंगे तो जो काम रुके हुए थे वो काम दोबारा से तेजी के साथ होंगे। अब देखना यह होगा कि शपथ ग्रहण के बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कामकाज कितनी तेजी के साथ करते हैं और जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। जी बिल्कुल नासिर, देखिए नजर हम लगातार बनाए रखे हैं इस खबर पर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।